और सभी के पास आएगी। सभी इसके अंदर कुछ ना कुछ नेक डालना है। माता जी कहने जय माता दी बोलते हैं। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है मेरा फास्ट का तीसरा डे, तो सबको हैप्पी नवरात्रि गाइज, जिसने फास्ट रखे हैं और नहीं भी रखे सबको हैप्पी नवरात्रि। सो माता रानी आपके सारी ब्लेसिंग्स पूरी करें, आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ लेके आएँ, आप जो आपकी मनोकामना माता रानी वो सारी पूरी करें गाइज। सो मैं ना आज ब्लॉग घर से शूट नहीं कर पाई क्योंकि आशु के प्रोग्राम पर जल्दी जाना था और मुझे भी यहाँ पर आना था। शायद मम्मी के यहाँ पे थोड़ा सा आज कीर्तन हो, तो अभी कंफर्म नहीं है कि कीर्तन है या नहीं है, तो वो जब होगा मैं तभी आपको दिखाऊंगी। क्योंकि जो कीर्तन करने वाली थी ना, थोड़ा उनको प्रॉब्लम हो गई है कुछ, तो आज का कीर्तन शायद पोस्टपोन भी हो सकता है या हो भी सकता है। सो आज भी देखो कितने मेरे लिए कभी लेके आते प्रोग्राम से, तो कभी पाप वो नहीं होते मतलब लड्डू कौन से होते हैं, मोती चूर के साबुदाने के पापड़ मोतीचूर के लड्डू वो सब लेके आते रहते कि तुम भूखी तुम वेट मत लूज़ करना। तो मैं बोलती हूँ यार थोड़ा सा तो करने दो वेट लूज़। तो अब वो चले गए प्रोग्राम पे, हम मम्मी के यहाँ पे आ गई पूजा वूजा डन करके, तो अब देखते क्या होता है। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में गाइस। अगर सो गई तो कुछ कह नहीं सकती क्योंकि मुझे ना आजकल मेरे ना भूख के होने बी पी लो के चक्कर में ना नींद ही नींद आने लगती है, तो मैं फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। मैं ना सो गई थी रक्षाबंधन मूवी देख करके, मम्मी और मनीषा रक्षाबंधन मूवी देख रहे थे, तो वो बहुत इमोशनल थी। मैं रोते रोते और मतलब अच्छी लगती है मुझे, मैंने कम से कम मैक्सिमम गाइस मुझे खांसी भी हो गई। मैंने वो 8-10 बार तो देख ली। मैं फर्स्ट टाइम हॉल पर देख के आई थी, फिर उसके बाद हम लोगों ने घर पर देखी, तब से तो मेरी पेन ड्राइव में जब मोन करता तब देख लेता, तो यूट्यूब पर भी है वो। सो अब वो आज जिन लोगों ने मूवी लगा थी, नानी मनीषा मम्मी सब वो ही देख रहे थे, तो मैं सो भी गई थी। अब बज गए शाम के 5, तो अब मैं उठी हूँ, मनीषा सफाई कर रही है और शायद कीर्तन वालों जो मेरी फ्रेंड है ना अंशिका गुप्ता वो ही कर रही है कीर्तन। सो उसी का कॉल आ जाती थी, मैं आ रही हूँ, कोई बात नहीं मैं कर देती हूँ। सो गाइस मेरे ना आज पेट पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सो अब देखते हैं हम क्या करते हैं। और मेरी नींद पूरी हो गई, नींद पूरी हो जाती है ना मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि सुबह ना आज मेरे कान पर फ़ोन चलाते हैं, वो क्या करते हैं जब तक उन्हें सोना होता है ना वो सो जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं जल्दी, कभी मेरे कान में फ़ोन चलाएंगे, तो कभी टीवी चलाएंगे, कभी परी किसका फ़ोन आ रहा है उसका फ़ोन आ रहा है, वो पूरी नींद डिस्टर्ब करते हैं मेरी। और जब मैं उठ जाती हूँ फिर वो सो जाते हैं घोड़े बेच के, फिर उन्हें कुछ नहीं चाहिए कि परी उठ गई है तो अब सब कर लेगी, पर ये मैं सो जाता हूँ। आ गई है जय माता दी सभी को, ये पकड़ो आप ये माता रानी। हां पीछे से मामला पता नहीं रोटी पकड़ी है सीधी पकड़ी है, कोई बात नहीं जैसी है वैसी अंदर लेके। जय माता दी। आज कीर्तन है घर पे, हमारी आंटी जी आ गई है। जय माता जी बोलो। जय माता दी। दरबार अंदर जा रही है हमारी साउंड वाली भी हिंदी थी हमारी। तो मैं ब्लॉग कैडा करते सब बाहर तैयारी करते हैं, मिलती हूँ मैं आपसे भी थोड़ी देर में। कीर्तन के लिए आ चुकी है अंशिका। जय माता जी सभी को, कैसे हैं आप सभी? आज माँ माई का गुणगान हो गया यहाँ पे। और आंटी जी आई है, यही करेंगे कीर्तन। सन्नी माता रानी आ रही है, इसकी लाइट मतलब लाइट जला दे, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। गाइस ये तैयारी हो रही है। हेलो गाइस, जय माता सभी को। आज हम आए कीर्तन करने हमारे पूरी टीम के साथ। वहाँ दिखाओ क्या दिखाओ, ये हमारे देव भैया है, ये हमारी तनु बहन, ये हमारी आंटी जी और मैं, तो तुम पता है अंशिका गुप्ता। ओके ओके, जय माता दी। परात भवा आई ले जाओ, अंशिका के पास आज मैंने ले याद किया चलना। हां परात के अंशिका लगा पड़ा हूं भाई, लेकिन मैं आज भाई हां भाई बोलने वाली। हां बाबू मम्मी अटक जलाओ बैग कहां लगाऊं, कहां है कहां मैं लगा दूंगी इधर। दो थाली यहाँ पे काम, इसका इंस्टाग्राम उड़ चुका है और ये बहुत ज्यादा कीमती पड़ी है गाइस, तो ये यहाँ पे काम कर रही है मतलब अपना फेस दिखा रहे। गाइस से भी गुस्सा है क्या?
तो निकाल आंटी वहां से लीड भैया ये नहीं लीड वाला जो हमारे चौकी हो चुके हैं खत्म और ये बैठे हैं सारे ये बहुत अच्छा गाना गाते हैं उन्होंने बहुत एंजॉय दिया हमें आज बहुत मजा कराया बहुत सच्चे दरबार की जय तो कल भी आएंगे मेरे यहाँ चौकी में आप इन्हें देखोगे गाइस और मैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर ना आपको नीचे मेंशन कर दूंगी जिसको भी चौके जागरण भी करते हो ये कराना तो इनसे कॉन्ट्रैक्ट करना साइड से भी अच्छा गया ढोलक वाली की कर ली ढोलक बहुत अच्छी बनाई थी यार इनकी ढोलक पे देखो इन्होंने भी अच्छा गाना गाया इन्होंने भी अच्छा गाया तो ये चलो थैंक यू सो मच सच्चे दरबार की जय चला शेर वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय सो गाइस कीर्तन हो गया डन हम कीर्तन हो गया खत्म पर कीर्तन में बहुत एंजॉय आया बहुत मजा आया बट हम जाते हैं अपने घर और मिलते हैं घर पहुंच के गाइस और आशु भी आ गए हैं वर्ड भी मैंने खोल लिया वर्ड खोला है मैंने 11:30 बजे और मनीषा दूध उबाले बस दूध पी के हम जाते हैं घर तो कल मेरे यहाँ पे कीर्तन है गाइस मिलती हूँ मैं कल आपको अपने घर पे मतलब मिलूंगी तो अभी पर कीर्तन कल दिखाऊंगी अपना तो गाइस हमारा दूध आ गया और हो गई इतनी अच्छी बहन किसी की मेरी बहन बहुत लंका ही है डायन ऐसे ब्लॉग में दिखती है अच्छी पर अच्छी है नहीं बहुत अच्छी है देती मुझे तो बेड पे नाश्ता चाय नहीं देती बता नहीं देती गाइस सोता नहीं मारती बता कौन ये देती है मुझे नहीं देती एहसान नहीं मम्मी ये देती है मम्मी देती नहीं सच्चाई बोलना जोर से बोल लो जय माता दी मैं अगर प्रकार की वीडियो बना देती हूँ ना तो मुझे लगता है मेरी बड़ी बहन गुस्सा ना हो जाए मेरे लिए नहीं करती गाइस ये बिल्कुल भी देखो आज दूध लाई क्योंकि मम्मी ने बोला है इसको लाने की ये नहीं करती मेरे से मैं जीजू से बहुत प्यार करती हूँ प्रीति से भी करती थोड़ा बहुत ही लड़ती हूँ जीजू की चमची है फिर जीजू से मेरे को प्रॉमिस है यार तुझे मेरा चमचा बता रही थी ना ये देखो ये कहती है तू उसकी चमची है
ये पिछली बोलते ये काम होता ना अभी हाँ हुआ था क्या हुआ ना हो हाँ आशु बोल रहे मनीषा एक आमा से था तो भी तो कहती है हाँ हुआ था तो सच बोलते वो पुराना वाला ब्राउन कुर्ता बहुत बढ़िया है आई डोंट नो निकाल रखा है पहनना है सुबह चलो चलते हैं घर गाइस तो चलो सो गाइस बाय बाय मम्मी हम जा रहे हैं तो गाइस मैं जा रही हूँ घर के लिए लिया मैंने प्रसाद चले बहन हमें जाने दो बहन तो गाइस मैं घर पहुँच ठीक है और बज रहे हैं 12:30 साढ़े बारह बजे हम जा रहे हैं लेट होकर 12:30 हम निकल चुके हैं सिंगापुर से बाहर और पहुँचते हैं घर पे जल्दी जल्दी क्योंकि कल बहुत सारा काम करना है मुझे मैं भी आपको घर पहुँच के बताऊँगी क्या काम करना है तो चलते हैं फटाफट फटाफट घर तो भाई आज ना मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है तो अब थोड़ा आशु के घर पे जाके ना तेल लगवाऊंगे पैरों पे आशु लगा दोगे आप तो मेरा पति बहुत अच्छा है गाइस कर देता है जो मैं बोलती हूँ ना थोड़ा सा नाना नुकता करता है लेकिन कर देता है सारा काम तो घर जाकर वैसे आशु से पैरों की मालिश कराऊंगी सो गाइस हम लोग आ गए घर पे और मैंने आगे इसके पहले शावर लिया है क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा वाली गर्मी और मम्मी के यहाँ पे अभी एसी की सर्विस नहीं होती तो मम्मी ने एसी चला नहीं रखा था तो अब तो हमें हमने कोई एसी की बहुत ज़्यादा मुझे तो बहुत ज़्यादा हैबिट है गाइस मैं एसी के ना एक सेकंड नहीं रह सकती कहीं नहीं रह सकती मुझे एसी की बहुत ज़्यादा नीड है तो मेरे एसी तो मार्च से ही चल रहा है तो आते ही मैंने फिर एसी ऑन करवाया आशु से और अब मैं लेटी हूँ मतलब आज मैं बहुत थक गई गाइस बहुत ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ सामान लाना ये करना वो करना तो गाइस अब मेरे घर में किरदार होगा तो क्या होगा मीना क्योंकि आशु तो होंगे नहीं आशु के सब प्रोग्राम चल रहे हैं तो मुझे अकेले मैनेज करना पड़ेगा या फिर मुझे अभी को बुलाना पड़ेगा या मनीषा को बुलाऊँगी वही लोग आएंगे तो देखते हैं गाइस मैं कीर्तन कल कराती हूँ या फिर कब कराती हूँ तो अभी तो कुछ पता नहीं है कि मैं कब कराती हूँ बट अभी तो जहाँ तक ये 100% है कि मैं कल ही कराऊँगी वरना 1% है कि आशु कह रहे हैं अष्टमी वाला दिन करा लो और मेरी छुट्टी भी है तो अष्टमी वाला दिन तो गाइस वैसे ही बहुत सारे काम होते हैं तो अष्टमी वाला दिन तो वैसे भी सबके घर में काम होते हैं अष्टमी वाला दिन तो कुछ लोग बहुत अष्टमी करते हैं और सबके घर में बहुत ज़्यादा काम होता है सबके फास्ट भी होते हैं अष्टमी वाले दिन तो अष्टमी वाला दिन तो मैं पोस्टपोन ही करूँगी कि मुझे नहीं कराना बाकी कल का देखते हैं हम तो गाइस मेरे ब्लॉगों को प्लीज़ बहुत सारा प्यार दो गाइस मुझे ऐसे प्यार जैसे आपने मुझे वाटर पार्क वाली वीडियो में प्यार दिया ऐसे बहुत सारा प्यार देते रहो गाइस तो मैं इस ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ आई होप आपको ब्लॉग बहुत पसंद आ रहे होंगे बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे तो गाइस प्लीज़ जिसने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें गाइस बहुत सारा प्यार दें मुझे आशा तुम कुछ बोलते कर रही हो तुम भी बोल दिया करो कुछ थोड़ा बहुत सब्सक्राइब तो गाइस मैं इनका भी चैनल बनवाने वाली हूँ अभी नहीं ये डरते हैं ब्लॉगिंग करने से बहुत ज़्यादा तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बाय बाय गाइस टाटा गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स फिर मिलूँगी आपको कपड़े पर चेंज कर दी ये पत्ता मिल लोग देखो कैसे बाइक चलाते हैं बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है लोगों को तभी एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि इनके चक्कर में ना अगला बंदा अनबैलेंस होता है